स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल ये है चाहते में अब अपकमिंग एपिसोड्स में होने वाला है खूब सारा ड्रामा, क्योंकि एक तरफ निर्जा का हो चुका है एक्सीडेंट, वो पहुंच चुकी है कोमा में, तो दूसरी ओर रुद्र की लाइफ में एंट्री ले चुकी है कीर्ति, जिससे प्रीशा की मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। जी हाँ, अब जहाँ अपकमिंग एपिसोड्स में आप सभी देखने वाले हैं कि किस तरह से प्रीशा अपने आप को बेगुनाह साबित करती हुई नजर आएगी, तो वहीं अब आप देखेंगे कि युवराज ने फाइनली अब कर दिया है निर्जा का एक्सीडेंट, जिसके बाद निर्जा कोमा में चली गई है और यहाँ पर युवराज ने निर्जा के बैग से वो पेन ड्राइव भी निकाल ली है, जिस पेन ड्राइव में होती हैं वो असली वीडियोज, और यहाँ पर युवराज इस तरह से करता है कि जैसे उसने कुछ किया ही नहीं है। वहां दूसरी ओर आप देखेंगे कि रुद्र और पूरा खुराना परिवार अब जयपुर के लिए निकल चुका है, क्योंकि अब रुद्र का होने वाला है कॉन्सर्ट, और यहां पे जहां पूरा परिवार आता है अपनी अलग अलग गाड़ियों से, लेकिन रुद्र, सारांश और प्रीशा जिन्हें एक ही बस से जाना होता है, लेकिन तब रुद्र कहता है कीर्ति को कि कीर्ति भी उसके साथ ही जाएगी, ताकि वो कॉन्सर्ट के बारे में एक दूसरे से और भी ज़्यादा बातें कर सके। लेकिन यहाँ पर रुद्र जिस तरह से कीर्ति के करीब जाने की कोशिश करेगा, यह सब देख कर प्रीशा को बहुत ही ज्यादा बुरा लगेगा, लेकिन सारांश के होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। जब कीर्ति बैठी होगी रुद्र के काफी करीब, तो सारांश कीर्ति को वहां से उठाकर अपनी मामा यानी प्रीशा को रुद्र के पास बिठा देगा। लेकिन अब आप देखेंगे कि जब ये सब अपने होटल पहुंच जाएंगे, वहां युवराज भी पहले से ही होगा, वो कीर्ति को देखकर सोचेगा कि ये नई फूलझड़ी कौन आई है और ये रुद्र की माँ को गुस्से में क्यों देख रही है, क्या ये भी कोई गेम खेल रही है जैसे हम लोग खेलते हैं। तो यहाँ पर युवराज को हो जाएगा कीर्ति पर शक। तो वहां दूसरी ओर अब रुद्र और कीर्ति एक ही कमरे में होंगे, प्रीशा खड़ी होगी कीर्ति के कमरे के बाहर, जैसे ही कीर्ति अपने रूम का दरवाजा खोलेगी तो वहां पर रुद्र भी आ जाएगा जो शर्टलेस होगा, और ये देखकर प्रीशा की आंखों में आ जाएगा पानी। लेकिन प्रीशा सोचेगी कि मुझे पता है रुद्र ये सब मुझे जलाने के लिए कर रहा है। वर्ल्ड शो के अपकमिंग एपिसोड्स और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि अब यहाँ पर युवराज जाएगा कीर्ति के पास और उसे कहेगा कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बहुत कुछ दे सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में कीर्ति मारेगी युवराज को चाटा और उसे धक्का देकर करेगी अपने कमरे से बाहर, कि वो उसके कमरे से बाहर चला जाए। लेकिन युवराज एक चेयर पर बैठेगा और कहेगा कि ठीक है, मैं तुम्हारा चाटा भी स्वीकार करता हूँ, लेकिन तुम जो चाहो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। और तभी युवराज देखेगा कि वहाँ पर शारदा की फोटो रखी है जिस पर क्रॉस का निशान लगा हुआ है, यानी अब युवराज पूरी तरह से समझ चुका है कि कीर्ति यहाँ पर अपने किसी अलग मकसद से ही आई है। मतलब शो में खूब सारा ड्रामा होने वाला है। एक तरफ जा चुकी है निर्जा कोमा में, अब प्रीशा के पास कोई भी सबूत नहीं है जिससे वो अपनी बेगुनाही साबित कर सके, तो यहाँ पर कीर्ति आ चुकी है, कीर्ति की प्लानिंग समझ चुका है युवराज। तो अब होगा क्या, किस तरह से शो की कहानी आगे बढ़ेगी, ये देखना होगा बेहद दिलचस्प। तो देखते रहिए स्टार प्लस पर ये है चाहते।